हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस में नेक्स्ट पार्ट जो था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टमक। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ह्यूमन के डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, जैसे कि बकल कैविटी में डिस्कशन हो गया था, टंग के बारे में हो गया था, फेरिंग्स, ईसोफेगस। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टमक। स्टमक जैसे कि हम जानते हैं ये एक मस्कुलर इलास्टिक बैग होता है और जो कि जे शेप स्ट्रक्चर का होता है और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है बिलो दी डायफ्रेगम। देन इससे एक बड़ा स्पेशल एसिड रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम स्टमक की बात करें तो इसकी जो वॉल होती है उस पर कई सारी ग्लैंडुलर एपिथीलियम का स्ट्रक्चर होता है पूरे के पूरे स्टमक पर, जो कि सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। ये दो बड़े स्पेशल सिक्रीशन इसके साथ में लगे रहते हैं। बेसिकली अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फंडस, दूसरा होता है कार्डिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। तीनों पार्ट से मिलके स्टमक फॉर्म हो जाता है। तो तीनों के तीनों जो रीजन है वो अपना अपना अलग सिक्रीशन करते हैं, सभी का रोल अलग अलग है इसमें। देन अगर हम बात करें सबसे पहले कार्डिक, कार्डिक जो रीजन है वो एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है। पाइलोरिक रीजन भी एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है और फंडिक रीजन में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं और वो ग्लैंड पांच स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। तो इस तरीके से जो है तो ये तीनों के तीनों रीजन, ये कार्डिक वाला जो रीजन है वो ईसोफेगस की तरफ होता है। देन जिसको ईसोफेगस और इससे फूड पास होता है डियोडिनम में थ्रू दी पाइलोरस। तो ये तीनों बेसिक रीजन जो हैं यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेड हैं। अगर हम बात करें तो इसी स्टमक के जस्ट लास्ट सेक्शन में यहां पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो पांचों सेल हैं इस सेक्शन में, कौन से वाले सेक्शन में? फंडिक सेक्शन में। तो यहां पर है पेप्टिक और जाइमोजिन सेल्स, ये रिलीज करती है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ये स्पेशल एंजाइमेटिक एक्शन रखने ये एंजाइम्स हैं। देन ऑक्सांटिक सेल, ऑक्सांटिक सेल जो है वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन भी करती हैं। और है गॉबलेट सेल, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। आर्जेंटाफिन सेल, ये सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं और हिस्टामाइन का सिक्रीशन करती हैं। देन जो लास्ट सेल हैं जो कि पांचवें नंबर की जो सेल हैं वो है जी सेल, ये स्पेशल हार्मोन रिलीज करती है जिसके जो है गैस्ट्रिन। देन इस तरीके से हम अगर बात करें तो स्टमक में क्या क्या फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड होता है यहाँ पर। तो जो भी फूड इनटेक किया जाता है माउथ से, बकल कैविटी से होते हुए जिसको मेस्टिकेट किया गया था टीथ ने, टंग ने, और उसमें सेलेवरी एंजाइम के एक्शन के बाद जो फूड था उसमें वो जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए आगे बढ़ता है। ईसोफेगस में जब ये फूड आगे बढ़ता है तो ये सबसे पहले रीच करता है स्टमक में। स्टमक कहाँ प्रेजेंटेड है? डायफ्राम के जस्ट बिलो। तो स्टमक में वो फूड यहां पर रीच करता है। देन ये फूड पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो वो एक्शन है चर्निंग ऑफ फूड। जिसमें चर्निंग ऑफ फूड से अगर हम बात करें तो यहां पर होता है लार्ज फूड पार्टिकल जो है स्मॉलर वन में ब्रेक हो जाते हैं, और ये है एक तरीके का फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरीके का एक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और ये एक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है कौन? स्टमक। सो देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है। वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो एक्चुअल में है उसको हम गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से एंजाइम कौन सा निकल रहा है, यहां पर जो कंपोनेंट थे वो थे गैस्ट्रिन। तो हमने इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन।
जो भी फूड इनटेक किया जाता है ह्यूमन के थ्रू वो स्टमक में जाता है और स्टमक में स्टोर होता है अबाउट 2 to 3 मोर देन 3 आवर्स तक भी यहाँ पर स्टोर हो सकता है, वो 6 आवर्स तक भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें तो यहाँ से जो यहाँ पर जो फूड का एकोमोडेट होता है वो 2 से 3 लीटर फूड यहाँ पर इस इलास्टिक स्टमक में प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसा हमने बात किया, पहली प्रोसेस हो जाती है चर्निंग ऑफ फूड हो जाता है यहाँ पर, फिर होता है पार्शियल डाइजेशन। तो पार्शियल डाइजेशन में अगर हम बात करें तो पार्शियल डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक जूस की मदद से, जो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर सिक्रीट करती हैं। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक जूस है वो लार्ज क्वांटिटीज में अपने में म्यूकस रखता है। क्या कैरी करता है? म्यूकस कैरी करता है और ये फूड को लिक्विफाई कर देता है। देन इसके बाद लिक्विफाई हो जाने के बाद फूड जो है वो HCl के साथ में मिक्सअप हो जाता है। बेसिकली HCl का एक बड़ा मेजर फंक्शन ये भी है कि जो HCl होता है ये कई सारे बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है जो भी फूड के साथ में आ सकते हैं। देन HCl जो है वो कन्वर्ट करता है कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं प्रोरेनिन जो कि सिक्रीट यही होता है। देन प्रोरेनिन को HCl जो कि pH जिसका होता है 1 to 2 pH, इस प्रोरेनिन को, प्रो मीन्स जो पहले है जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन है उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि रेनिन का एक्शन और कहीं होगा। रेनिन जो है यही रेनिन केसीन प्रोटीन पर काम करता है, केसीन सोलिबलाइज्ड मिल्क प्रोटीन है, ये मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन होता है जिसको कि रेनिन एक्शन परफॉर्म करता है और इसको पैरा केसीन में बदल देता है जो कि इनसोलिबल प्रोटीन भी कहलाता है। देन तो क्या काम किया HCl ने, यहाँ पर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर दिया उसके एक्टिव फॉर्म में। प्रोरेनिन इनएक्टिव था, रेनिन एक्टिव हो गया। केसीन पहले सोलिबलाइज फॉर्म में था, अब वो इनसोलिबल फॉर्म में आ चुका है ये प्रोटीन। देन अगले अगर एक्शन की बात करें तो जो इसमें अगर हम बात करें तो जो पेप्सिनोजन है ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इस पर HCl काम करता है और इसको बदल देता है ये पेप्सिन में। देन पेप्सिन भी देन अगेन एक्शन करने के लिए रेडी रहता है। तो जो भी प्रोटीन फूड सब्सटेंस इनटेक किया जाता है ये पेप्सिन उस पर काम करता है और पेप्सिन के लिए जो एक्टिवेशन, उसको एक्टिव रहने के लिए जो pH चाहिए वो यहाँ पर स्टमक में अवेलेबल होता है, दैट इज 2.0 to 3.5 pH पर, जिसमें कि प्रोटीन बदल जाता है पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेस में, ये प्रोटीन के डाइजेस्टेड फॉर्म है। बट अभी इनको इनटेक नहीं किया जा सकता, इसका भी और पार्ट इनके डाइजेशन होंगे जो कि आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। देन लास्ट अगर सेक्शन यहां से अगर हम बात करें तो जो पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक है यही पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक पर एक स्फिंक्टर अवेलेबल होता है। जो भी फूड यहां पर अवेलेबल होगा इस फूड को स्लो मोशन में स्मॉल इंटेस्टाइन की डियोडिनम वाले सेक्शन में पहुंचाया जाएगा, सबसे पहला सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देन यहां पर वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, तो यहां से जो है फूड वो काइम के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो चर्निंग एक्शन हुआ, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस हो चुका है यहाँ पर, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हो चुका है स्टमक में, और जो इसने थिक पेस्ट और पल्प लाइक मटेरियल जो है अब वो स्टमक से बाहर जाएगा, वो कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा डियोडिनम में, उस कंपोनेंट को जो हम यहां से बोलेंगे उसको बोलते हैं हम काइम। देन जो काइम है वो एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इन स्मॉलर अमाउंट, छोटे छोटे से स्मॉलर राउंड पार्ट के फॉर्म में ये यहां से ट्रेवल करता है, ये स्फिंक्टर यहां पर मूव करता रहता है यहां पर। अब जो अगले एक्शन की अगर हम बात करें तो देन अब जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स कैरी करता है, ये ओपनिंग है पाइलोरिक और डियोडिनम के बीच में, ये ओपन और क्लोज होता है सेवरल टाइम में, जिससे कि स्मॉल काइम मूव करता है कहां पर? डियोडिनम में। तो ये एक्शन यहां पर कंटिन्यूस चलता रहता है। अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की,
तो जो भी डाइजेशन की अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। उन तीनों पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो है डियोडिनम, दूसरा होता है जो क्वाइल्ड फॉर्म है, यहाँ पर जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज जेजुनम, और लास्ट होता है इलियम। तो यहाँ पर ये तीनों पार्ट मिलके बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट जो इलियम पार्ट है वही जाके लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड जो एक्चुअल में वो कंप्लीट होता है वो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल पार्ट में अगर हम बात करें तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला है डियोडिनम जो कि अपर सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो 9 इंच लॉन्ग हो सकती है, ये बेसिकली नहीं होती है। देन जेजुनम और इलियम की बात करें तो ये इसकी इंटरनल वॉल पर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिनको कि हम विली कहते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, तो ये इस पूरी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्चुअल में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी जो हैं, जो यहाँ से जो फूड स्टमक से आया हुआ था वो अब यहाँ पर एक्शन होने के लिए रेडी रहेगा, जो कि पार्शल डाइजेस्टेड फॉर्म था, बट यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में कुछ और पार्ट्स के भी सिक्रीशन यहाँ पर जुड़ते हैं जो ग्लैंड्स हैं, जैसे लिवर है, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन आएगा यहाँ पर, पेनक्रियाटिक जूसेस आएंगे यहाँ पर, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस भी यहाँ पर जुड़ेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी होती हैं, वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती हैं। उस इंटेस्टिनल जूस को हम बोलते हैं सकस एंट्रिकस, जो कि कंसेंट्रेटेड एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है। इसमें जो फूड है वो आता है थ्री डाइजेस्टिव, इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट किए जाते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस उसके साथ में बाइल भी आता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम का भी सिक्रीशन यहाँ पर एडअप हो जाता है, और इंटेस्टिनल जूस। तो तीन डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर मिलते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। बट अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम डाइजेशन से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा लिवर के बारे में। जो लिवर है, लिवर अपने आप में एक स्पेशल ग्लैंड है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, और जो इसकी बॉडी होती है वो अपर राइट रीजन में होती है। सो नाउ दिस इज लिवर। इसी लिवर के जो कि एब्डोमिन के जस्ट बिलो होता है और डायफ्राम के, तो इसको डायफ्राम भी प्रोटेक्ट करता है नीचे लोअर साइड में रखने के लिए। इसी के सिक्रीशन की अगर हम बात करें लिवर में, तो लिवर के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर गॉल ब्लैडर है जो कि कंसंट्रेट करता है बाइल के लिए। देन ये सिक्रीट करता है बाइल जो कि ब्राउनिश येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, और बाइल में जो होते हैं वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फैट करने में मदद करते हैं। फैट का डाइजेशन के लिए बाइल का बहुत क्रूशियल रोल होता है। देन इसमें अगर हम बात करें तो जो लिवर है उस पर एक हेपेटिक डक्ट होती है, देन और ये पोर करती है अपने कंटेंट को कॉमन बाइल डक्ट की मदद से। ये हेपेटिक डक्ट की बात करें क्योंकि लिवर की जो सेल्स हैं उनका नाम होता है हेपेटोसाइट, तो इस डक्ट का नाम ही हो गया हेपेटिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर के साथ में जब ये जुड़ जाता है तो गॉल ब्लैडर की डक्ट, तो इसके साथ में ये वाली जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट जो है वो जाके मिलती है पेनक्रियास की डक्ट के साथ में, तो दोनों डक्ट का कॉमन नेम हो जाता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और इसका सिक्रीशन जो है वो जाके एडअप होता है या पोर होता है डियोडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देन अगर हम बात करें तो डियोडिनम में एडअप हो जाता है, बाइल पिगमेंट्स की बात कर लिया हमने। अगर हम फंक्शन ऑफ लिवर की बात करें तो लिवर बहुत सारे ह्यूज फंक्शंस परफॉर्म कराता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे जो लार्जर अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक एसिड बॉडी में ट्रेवल करता है उस ऑर्गेनिक एसिड को ये ग्लूकोज में बदल सकता है, चाहे जो मसल्स में एक्शन करके जो ग्लूकोज एसिड में बदला हुआ था वही एसिड यहाँ पर ग्लूकोज में बदला जाता है। ये कुछ स्पेशल एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है
जो कि एंजाइम का सिक्रीशन नहीं, ब्लड एंटीकोएगुलेंट्स का सिक्रीशन करती है, जैसे कि हेपेरिन जो कि ब्लड एंटीकोएगुलेंट्स है। देन इसके अलावा जो लिवर का काम है, ये स्टोर करता है विटामिन ए डी ई और विटामिन B12। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए भी करता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, बाय द हेल्प ऑफ कैरोटिन। देन एक और फंक्शन जो यहाँ पर है, लिवर जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में और हमारी बॉडी से आउटसाइड करने में मदद करता है लिवर, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लिवर के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जो कि फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, और ये फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म किया जाता है कुफर सेल की मदद से, कुफर सेल देन जो कि एलिमिनेट करती हैं पैथोजन को और फॉरेन पार्टिकल्स को फ्रॉम दी लिवर। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिवर का और जो फंक्शन हमें समझ में आता है वो है, ये सिंथेसाइज करता है कुछ स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथॉम्ब्रिन, और एक और स्पेशल फंक्शन की अगर हम बात करें तो लिवर जो है ये यूरिया का फॉर्मेशन भी कराता है। यहाँ पर कुछ एक स्पेशल साइकिल चलती है उसके थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है जो कि अमीनो एसिड से के ब्रेकडाउन से फॉर्म होती है यहाँ पर यूरिया। देन अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, देन इज ए गॉल ब्लैडर जो कि लिवर के अंदर ही एक सेक्शन में अवेलेबल है जो कि कंसंट्रेट करता है बाइल को। देन अगर हम यहाँ बात करें गॉल ब्लैडर की तो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल के लिए, कंसंट्रेट करता है बाइल को, और इसका सबसे स्पेशल फंक्शन जो है जो कि बाइल परफॉर्म करता है वो है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ काइम जो स्टमक से आ रहा जो कंटेंट है उसको लिवर के सिक्री जो गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन है ये उस काइम को न्यूट्रलाइज करता है इन डियोडिनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम को भी एक्शन परफॉर्म कराने में मदद करता है। देन सो इसके अलावा जो है बाइल का जो फंक्शन की अगर हम बात करें, सो जो बाइल है ये प्रिपेयर करता है एल्कलाइन मीडियम फॉर पेनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम के एक्शन के लिए, ये इमल्सीफाई करता है फैट मॉलिक्यूल की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स जो होंगी, बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो होगा ये जो होगा बाइल, बाइल सॉल्ट्स और बाइल का डिपोजिशन होगा, और ये लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, वो हम बाद में बात करेंगे, वो होते हैं लाइपेज एंजाइम्स जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराने में बाइल ही मदद करता है। तो गॉल ब्लैडर का एक बड़ा क्रूशियल रोल यहाँ पर होता है, और इसके जो है ये सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम भी कराने में मदद करेगा ही, तो ये बड़ा इसका रोल हो जाता है। तो ये है बाइल का फंक्शन। अब अगर हम बात करें पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज अपने आप में एक बड़ी स्पेशल ग्लैंड है जो कि एक्सो और एंडोक्राइन दोनों तरीके से ये कंपाउंड ग्लैंड के जैसे बिहेव करती है। एक्सोक्राइन वो पोर्शन होता है जिससे कि जो भी है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज है वो डक्ट की मदद से सिक्रीट आउट होंगे, जबकि जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है इसका पेनक्रियास का, ये अपना सिक्रीशन ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम में पोर करती है। तो इस तरीके से इसके दोनों सिक्रीशन हैं। देन बट अभी हमें यहाँ बात करनी है एक्सोक्राइन सिक्रीशन की, क्योंकि एक्सोक्राइन जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं का एक्शन डाइजेस्टिव फंक्शंस में होता है, डाइजेशन में उनका रोल होता है। तो अगर हम बात करें तो जो भी पेनिक्रियाटिक जूस यहाँ से सिक्रीट होंगे वो जनरली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और इससे जनरली तीन टाइप के एंजाइम यहाँ से सिक्रीट होते हैं, वो तीन टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, पेनिक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीन एंजाइम्स यहाँ पर बड़ा सिक्रीट किए जाते हैं किसके थ्रू, पेनक्रियास के थ्रू। तो जो स्टार्च है सो स्टार्च जो है वो अमाइलेज के एक्शन से वो माल्टोज में बदलता है, फिर पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो हैं ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर पेप्टोन और प्रोटियोजेस बदल चुके थे पहले ही स्टमक के अंदर,
अब ये इन्हीं का एक्शन होता है, इन पर एक्शन होता है पेप्टोन और प्रोटियोजिस पर ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन इन पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में बदल देता है जो कि अब एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होंगे। देन फैट, फैट के लिए भी डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, ये भी यहीं से सिक्रीट होता है जिससे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है ये। तो बेसिकली ये जो एक्शंस हैं, अभी हमने केवल इनके अभी हमने बात किया है स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर, और इसके साथ साथ में जो इनके एक्सक्रीशन मतलब इनके जो सिक्रीशंस की बात किया हुआ है। देन अभी हमारे लिए जो अगले सेक्शन में जो हमें डिस्कस करना है वो रहेगा कि इंटेस्टिनल जूस के एक्शंस, उसके थ्रू मतलब जो इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो कंटेंट है उनका एक्शन के बारे में बात करना है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी बात करना है। देन सो एब्जॉर्प्शन की बात करना है, अभी हमें एसिमिलेशन ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे और फिर देन हम इजेशन की बात करेंगे और कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन अभी इसमें लार्ज इंटेस्टाइन को और अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो रहेगा यहाँ पर सीकम, यहीं पर एक छोटा सा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है। नाउ दिस सेक्शन इज कॉल्ड असेंडिंग कोलॉन, नाउ दिस सेक्शन इज ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड लास्ट सेक्शन इज दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट सेक्शन है जहां पर ये फीसेज स्टोर होती हैं, दैट सेक्शन इज कॉल्ड रेक्टम, और लास्ट है एनस। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है और तीनों के तीनों कोलॉन और रेक्टम का जो सेक्शन है ये दोनों मिलके बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतना ये सेक्शन है। यहाँ पर हमने एक डेंटल फॉर्मूले को भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं ICPM और M। आई फॉर इंसीजर 2/2, देन सी कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। ये जो है ये हमारी बकल कैविटी के हाफ सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल जो होंगे 1/2 ऑफ अपर जॉ ऊपर वाला सेक्शन एंड 1/2 ऑफ लोअर जॉ, तो इस तरीके से ये टोटल हुए 8 और नीचे भी हुआ 8, तो टोटल हो गया 16। और अगर दोनों साइड के पोर्शन को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 32। तो ये पूरा सेक्शन हो गया अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे जो भी जैसे बताया है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन और कुछ डिसीजेस के बारे में। सो थैंक यू।